रहीम, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है लास्ट क्लास से, और इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रॉपर्टी इसको हम प्रूव कर रहे हैं, जो कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो हम कल पढ़ चुके हैं, और उसमें ये वाली जो डायग्राम आपके सामने जो आपकी कॉपी पे मौजूद भी है, तो इसको सामने रखते हुए हमने वो डिराइव किया था। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ दोबारा से, ताकि याद आ जाए कि कल हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डी कॉस थीटा, ये जो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आप मत लिखिएगा, क्योंकि ये आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब इसमें हम करते क्या है, देखें ए डॉट बी में पहले ए लिखा हुआ है तो ए का मैग्नीट्यूड रखते हैं, और दूसरे नंबर पे बी है तो बी की प्रोजेक्शन ए पे ये हम लिख देते हैं, लाइक दिस वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन वन कंसिडर किया था, और इसमें बी ए की जो वैल्यू है ये हमने अलग से कैलकुलेट की थी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर ये हमने कंसिडर की थी। इस राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो है इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये है बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, और ये बेस बनती है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, इससे हमने वैल्यू निकाली थी अगर याद हो आपको, जो क्या आई थी आपके पास आई थी बी कॉस थीटा के इक्वल आई थी, यानी बी ए अलग से हमारे पास जो आया था वो था बी कॉस थीटा, लाइक दिस बी कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन वन थी हमारे पास, और ये इक्वेशन टू थी। तो फिर इक्वेशन टू में से हमने क्या किया था कि बी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन क्या थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गई थी हमारे पास। और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। ये वो काम है जो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो आपको रिमाइंड करा रहा था कि ये काम हम कर चुके हैं। इक्वेशन वन ये थी, फिर इसके बाद हेडिंग पुट की थी कैलकुलेटिंग बी ए, फिर उसको हमने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैलकुलेट कर लिया था जो ये आया था, इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर टू का। फिर हमने वैल्यू पुट की थी बी ए की इक्वेशन टू से इक्वेशन वन में, और ये आ गई थी इक्वेशन थ्री है, ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लेट इट इज इक्वेशन नंबर थ्री। अच्छा, अब राइट हैंड साइड जो आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड ये था ए डॉट बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपके पास था बी डॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो चुकी, अब राइट हैंड साइड की हम बात करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी डॉट ए। अच्छा, आप इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, हम देखें बी डॉट ए इज इक्वल टू, अब किन दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, पहले वेक्टर बी है तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर वेक्टर ए है, ए की प्रोजेक्शन आएगी बी पे, तरतीब वही है बिल्कुल उसी तरह से। अब देखें ये वेक्टर वही बने हुए, जैसे ये ना वेक्टर ए ये बना हुआ वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी ये वेक्टर बी बना हुआ है। अब ए की प्रोजेक्शन आप कहाँ लेके जाएंगे, वेक्टर बी पे, और ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगी जैसे कल मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था, ये एक परपेंडिकुलर है जो आप वेक्टर के हेड से ड्रॉ करते हैं दूसरे वेक्टर, तो वेक्टर ए का हेड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन अगर लेके जाएंगे तो इस तरह से जाएगी ऐसे कि 90 डिग्री एंगल बना, तो जहां पे भी वो परपेंडिकुलर लाई करेगा दूसरे वेक्टर पे, वहां से लेकर उसकी टेल तक प्रोजेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ए की प्रोजेक्शन किस पे आ रही है, बी पे, ये वेक्टर बी चल रहा है, वेक्टर बी पे ए की प्रोजेक्शन आ गई, हमने ए बी इसको लिखा हुआ है। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। अब वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, वो कल मैं आपको इसलिए वो मैंने लिख के दिए थे वर्ड ताकि याद हो, देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी।
नाउ लेट इट इज इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन थ्री के बाद ये इक्वेशन फोर आ गई। अच्छा अब ये जो इक्वेशन नंबर फोर है इससे आप क्या करेंगे, क्योंकि ए बी नहीं है हमारे पास, ए बी मीन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, इसको कैलकुलेट करेंगे और तरीका वही होगा जैसे कल हमने काम किया था। तो चले इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। अब ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, कल मैंने बताया था आपको, ऑपोजिट टू द थीटा, थीटा परपेंडिकुलर होता है एंड ऑपोजिट टू राइट एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज है, और ये जो साइड है रिमेनिंग साइड या एडजेसेंट साइड टू द थीटा इज बेस, तो बेस हमें नहीं पता और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस हमारे पास है पी से लेकर क्यू तक, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पी आर इज इक्वल टू cos theta, P से लेकर Q तक प्रोजेक्शन ऑफ A onto the direction of B, and P से लेकर R तक it is magnitude of vector A. Vector A का magnitude आ जाएगा यहाँ पे is equals to cos theta. ये सब कुछ करना है according to the diagram. जो diagram है उसमें जो भी नाम रखा है उसके लिहाज से यहाँ पे value put करते जाएंगे, तो A B upon मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे लिख सकते ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए बी की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फोर के बाद, लेट इक्वेशन नंबर फाइव कह दें आप इसे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फाइव में से आपने वैल्यू उठानी है ए बी की और इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर फोर, यही हमें फाइंड आउट कर रही थी ना, ए बी की वैल्यू नहीं पता थी, अब ए बी की वैल्यू हमें पता लग गई, इट इज ए कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी from equation 5 into equation 4. तो equation 4 को देखिए लिखा हुआ है b dot a is equals to b, यानी magnitude of b है, और a b की जगह क्या लिखेंगे, a cos theta लिख देंगे, a cos theta, ये मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैथ में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, लाइक जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये भी क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लाइक ए को यहाँ पे और बी को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे उसकी वजह भी है, और करके हम लिख रहे हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी cos theta, और अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर से। ठीक है, ये स्टेप दोबारा सुन लें, अगर समझ में नहीं आया मैं कह रहा हूं कि ये मैग्नीट्यूड है, एरो लगा दोनों तरफ बार लगे ना मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड अमाउंट होता है, यानी कोई नंबर है ये, और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैथ में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, यानी a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, और उसकी वजह है, वजह ये है
कि अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इसके राइट हैंड साइड पे आपको AB cos थीटा नजर आ रहा होगा, AB cos थीटा, और यही AB cos थीटा आपको इक्वेशन 6 के राइट हैंड साइड पे भी नजर आ रहा है। तो दो इक्वेशंस को कंपेयर अगर हम करें और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो तो वो इक्वेशन फिर इक्वल होती है। किस तरह से कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, या लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल है। इसको कहते कंपेयर करना, कंपेयरिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इनका, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख देंगे क्योंकि इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल है। कंपेयरिंग इक्वेशन एंड सिक्स, तो अब हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जी कहां पे पी क्यू आ गया, अच्छा बेस की जगह पी क्यू कहते हैं, कहता है ओके। नाम रखा हुआ ना हमने, ये देखिए ये आपके पास ये अब एक ये पॉइंट है इसका नाम रख दिया, एक ये पॉइंट है इसका नाम रख दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया। ट्राइंगल का कुछ नाम तो रखा जाता है ना, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री में कोई भी ट्राइंगल है तो वो बगैर नामों के तो नहीं होती, एक एक पॉइंट का नाम होता है उसमें। तो हमने यहाँ पे पॉइंट का नाम रखा हुआ है पी क्यू आर, ये पॉइंट से ठीक है तीन आपके पास ट्राइंगल का नाम आ गया पी क्यू आर। अब इसमें से यहां से लेकर यहां तक जो साइड है ये पी क्यू, एक पूरी साइड है ये, यहां से लेकर यहां तक इसको हम कह रहे हैं पी आर, ये पूरी एक साइड है, और यहां से यहां तक क्यू आर, ये एक साइड है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है और बेस का नाम अगर देखें तो ये पी है और ये क्यू है, तो इसको पी क्यू कहेंगे। और ये देखें पी क्यू के ऊपर बार लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये इसी तरह से यहाँ पे पी आर के ऊपर भी बार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये पूरी साइड है पी से लेकर क्यू तक, इसका ये मतलब होता है। तो बेस जो है ये बता रहे हैं हम यहाँ पे कि पी से क्यू तक, ये इसमें बता रहे हैं। और इसी तरह से जो हाई कॉन्टिन्यूस है वो पी से आर तक है, ये बता रहे हैं। फिर पी से क्यू तक अगर हम देखें तो ये तो प्रोजेक्शन है ए बी, तो मैंने ए बी लिख दिया। फिर पी से आर तक ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया। ये इस तरह से चल रहे होते हैं, ठीक है। नाम इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह आप जो है ना ओ पी क्यू रख दें, एल एम एन रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, नाम से कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि जो जो भी नाम रख देते हैं फिर उसी के हिसाब से आप यहाँ पे प्लेस भी कर रहे हो, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें, यह कम्यूटेटिव लॉ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, कॉपी डाउन कर लें। और इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, आप जब तक कॉपी करें आपको टाइम दे रहा हूँ, और इस दौरान आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नाम क्या बताया, खदीजा, कल प्रोजेक्शन आपने सुना था या नहीं? कल का टॉपिक आपने अटेंड किया था या नहीं मुझे नहीं पता, मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। ये बच्चे कॉपी कर लें जरा, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जब तक स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं तो मैं प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट दोबारा दे देता हूँ। कल मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, दो वेक्टर्स हैं जैसे यहाँ पे बने हुए वेक्टर ए एंड बी। अगर हम बी की प्रोजेक्शन ए पे लेके आएंगे तो बी के हेड से, जिसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट से आप वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो आपको एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट से लेकर जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी टेल तक, यानी कि इसकी टेल से लेकर और इस पॉइंट तक जहाँ पे परपेंडिकुलर लेके आए हैं, ये हिस्सा जो है, ये एरिया, ये इसकी प्रोजेक्शन है ए पे। और यहाँ पे ए की प्रोजेक्शन बी पे लेके गए हैं तो फिर ए के हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी पे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर अगेन आपको एक पॉइंट मिलेगा।
इस पॉइंट से आप कहां तक जाएंगे, टेल तक। तो अब ये जो है ना टेल से लेकर इस पॉइंट तक ये प्रोजेक्शन है ए की बी पे। तो इसको मैंने समझाया इस तरह से था कि अगर आपके पास दो स्टिक्स हैं, लाइक वेक्टर ए एक कंसिडर कर ले, वेक्टर बी दूसरा कंसिडर कर ले, और ऊपर कोई लाइट सोर्स है, कोई सेवर वगैरह लगा हुआ है, तो पहली स्टिक जो कि इस तरह से लगी हुई है उसका एक शेडो आएगा दूसरी स्टिक जो कि नीचे, तो वो शेडो ऐसे ही आना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर सपोज कर ले वेक्टर नहीं है, सपोज कर ले थोड़ी देर के लिए ये एक स्ट्रेट स्टिक है और ये एक इस तरह से इंक्लिनेशन में स्टिक है, दो स्टिक है और ऊपर लाइट है, तो फिर इसका एक शेडो आएगा इस तरह से, वो शेडो इसके ऊपर बनेगा, तो ये ऐसे समझ लें शेडो। तो वेक्टर की लैंग्वेज में इस तरह से बोलते नहीं है हम कि ये शेडो है, समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ आपके लेवल पे आके इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं, बट इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर लेने के बाद जो पॉइंट मिलता है उससे जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है जिसको टेल कहते हैं, वहां तक जो एरिया बन रहा होता है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ के बाद अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसको अब हम प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव पार्ट आके अब हम देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, ये थोड़ी देर के लिए आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो वो लिख ले। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो इसको हम लिखते कैसे हैं, लाइक दिस, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब ये देखें मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी, फिर प्लस का साइन, फिर ए डॉट सी ऐसे आएगा, तो यही लिखेंगे यहाँ पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये जो सामने लिखा हुआ है ना ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो b प्लस सी ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो अभी तब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें b और c दोनों पहले आप ऐड करेंगे, वेक्टर तीन होंगे। ठीक है, कंसिडरेशन हमारी क्या है कि सपोज देयर आर थ्री वेक्टर a b एंड c इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे x y कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके पास तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है। जब डायग्राम बनाएंगे ना डायग्राम के नीचे दो तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम उसी डायग्राम को फर्दर एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कि डायग्राम के फौरन बाद नीचे लिखना शुरू करते, तीन चार लाइनें छोड़िएगा। ये वेक्टर ए है, एक और वेक्टर ले लें वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये तीन वेक्टर है ए बी एंड सी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस आप कंसीडर कर लें और यहां से वर्टिकली आप जाएं और इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसमें तीन वेक्टर हो गए, ए इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी एंड सी आर मेकिंग सम एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये शुरू में जो हम चीजें लिखते हैं या बोल रहे होते हैं ना, ये वही आप देखें, ये अगर मैं ये वर्डिंग लिखना शुरू कर दूं तो फिर तो पूरा बोर्ड वर्डिंग से ही भर जाएगा, तो वो असल चीज जो समझाना चाह रहे हैं वो पीछे रह जाएगी। तो स्टूडेंट और फिर इस लेवल पे आ चुके होते हैं, जैसे स्टूडेंट आप फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो अब आप खुद लिखा करें ये चीजें। नोट्स तो हम आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है इससे गाइडलाइन ले लें, लेकिन ये कि आप खुद लिखने के काबिल हो जाए आप लोग, हम इसमें बस यही वर्ड देखते हैं, कंसिडर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच देयर आर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी एंड सी दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो ये लिखने के बाद फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो भी इसी तरह से वर्ड्स में लिखते हैं, तो ये सब नोट्स में होता है, तो ये लिखना नहीं होता है, इसके बगैर टॉपिक कम्प्लीट नहीं होगा, ये कल भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में और आज दोबारा ये मैं बता रहा हूँ, तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती, आप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा चले अब इसको प्रूफ करते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो
तो ब्रैकेट में हमें क्या नजर आ रहा है, बी प्लस सी, तो पहले बी और सी को ऐड कर, ठीक है, बी और सी ये दो। अब मसला ये है कि इनकी टेल से टेल मिली हुई है, और हम जब ऐड करते हैं तो हेड और टेल ये मिलाते हैं। अब बी प्लस सी करना है तो सी को फ्री वेक्टर कंसिडर करते हुए आप कहां लेके आएंगे, एट टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी, ऑन द हेड ऑफ वेक्टर बी, यानी सी को फ्री वेक्टर कंसिडर करते हुए आप यहां आए, तो बी प्लस सी हो जाएगा इस तरह से करके, ये वेक्टर सी मैं यहां पे ले आया, ठीक है, बी और ये आ गया वेक्टर सी। अब वेक्टर सी को मैंने ऐड कर दिया यहां पे, तो B और C को ऐड करने के बाद ये आपको पता है टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, जहां पे दूसरा वेक्टर खत्म होता है, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वही रिजल्टेंट होता है। तो अब यहां से देखें, इस तरह से करके हम लेके जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट आर। पहला काम ये हमने कर दिया, जो ब्रैकेट में लिखा था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे तीन चार लाइनें छोड़ दीजिएगा। अब तक जो मैंने काम किया है उसको अगर हम लिखें तो ए डॉट बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, और जितना काम मैंने इसके अंदर किया है उसके मुताबिक अगर देखें तो B प्लस सी किसके एक बार आ गया, R के एक बार आया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं A डॉट R, A की जगह A आ गया, डॉट की जगह डॉट, और B प्लस सी क्योंकि R के एक बार हो गया तो मैंने R लिख दिया। राइट हैंड साइड यहां से नहीं लिखना, इसको तो प्रूफ करेंगे, खुद ही आएगा। अब ये आ गया A डॉट R। अच्छा, अब मैं ये रख करूं, ठीक है, पिछला टॉपिक है आपने लिख लिया होगा, ओके बेटा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे थे जिसमें प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, अब देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा आएगा। जैसे हमने लिखा हुआ था ए डॉट बी, अभी यहां से ये लिखिएगा नहीं है, सिर्फ आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं। तो ए की जगह हमने ए का मैग्नीट्यूड लिखा था, और बी की जगह बी की प्रोजेक्शन जो कि ए पे आ रही थी ये लिखा था हमने, ठीक है। अब बी की जगह आर है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर, ए डॉट आर। तो अगर ए डॉट आर है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे आप देख लें, मैं लिख के दिखा देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और आर की जगह क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। उस फॉर्मूला को देख लें और इसको देख लें, अगर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए के इक्वल है, तो ए डॉट आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। ये चीज आ गई हमारे पास। अब दोबारा डायग्राम पे जाते हैं। अच्छा, अब आर की प्रोजेक्शन चाहिए तो जरा प्रोजेक्शन बनाते हैं, और प्रोजेक्शन का वही तरीका है जो अभी सीखा था हमने। आर यहां से लेकर यहां तक है और ए ये चल रहा है, तो आर की प्रोजेक्शन ए पे लाएंगे तो आर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पे, ठीक है, रिपीट होती है बातें सारी वही होती है। तो ये देखें इस तरह से करके हम एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट मिला मुझे, तो यहां से लेकर यहां तक ये देखें, ये है प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये तो हो गई यहां तक बात है कि जो काम किया वो मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, ये बी वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक और सी वेक्टर यहां से यहां तक, बी की प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये देखें बी की प्रोजेक्शन ए पे आएगी तो ऐसे आएगी, बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हैं, वेक्टर बी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, तो हेड से परपेंडिकुलर लेके आएंगे वेक्टर ए पे, तो यहां से लेकर यहां तक ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। अलग से अगर मैं यहां पे शो करूं
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये आपके पास प्रोजेक्शन है किसकी, बी की। इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। और वेक्टर सी को क्योंकि आप उठा के यहाँ ला चुके, तो वेक्टर सी की प्रोजेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ऑलरेडी बनी हुई है, ये सी है ना, वेक्टर सी ये चल रहा है, तो इसकी प्रोजेक्शन ये देखिए ये बनी हुई है पहले से, ये भी 90 डिग्री आ गया और ये भी 90 डिग्री आ गया। तो ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि अगर हम इसको शो करें तो लाइक दिस, ये बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। दोबारा देख लें, यहां से यहां तक प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, और यहां से यहां तक प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखें प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। और से इस फिगर को देख ले, ठीक है, बाद में जो है ना परेशान होंगे, ये जो आर की प्रोजेक्शन है ये टोटल किसके इक्वल आ रही है, देखिए बी की प्रोजेक्शन प्लस सी की प्रोजेक्शन इसी के इक्वल है ना, यानी आर ए जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, बी ए प्लस सी ए के इक्वल, बी ए प्लस सी ए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो वही है ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है वो चल रहा है साथ साथ, राइट हैंड साइड जो है ये चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा क्योंकि लाइन चेंज कर दी मैंने, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, अब ये जो आर ए है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बी ए प्लस सी ए के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं बी ए प्लस सी ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखें, मल्टीप्लाई होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए से, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी ए से, और दरमियान में प्लस का साइन भी है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, फिर प्लस का साइन, यानी इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, इसी के इक्वल आना चाहिए। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, देखें दोबारा मुझे वो पुराना फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, अगर ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए के, ऐसे है ना, ए डॉट बी सी के इक्वल होता है, तो देखें ये जो हिस्सा है ये लिखा हुआ, ये देखें ये किसके इक्वल है, ए डॉट बी के, तो फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट सी के, तो इसलिए हम इसकी जगह लिखेंगे ए डॉट बी और प्लस इसकी जगह लिखेंगे ए डॉट सी, और ये जो मैंने लिखा है ये ही राइट हैंड साइड, जरा गौर से देख लें, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू की थी बात और राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी डॉट प्रोडक्ट में एप्लीकेबल, ठीक है। इसको कॉपी भी करें और कोई सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई बात समझ में ना आए इसकी ज्योमेट्री में इसकी डायग्राम में, जो भी चीज आपको पूछनी हो समझनी हो सामने लिखा हुआ, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, जो भी बात पूछनी हो मुझसे पूछ लें।
ओके इसके बाद अब हम लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कोसाइन, डॉट प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक है। अच्छा क्लास में थोड़ा सा टाइम रहेगा तो एटलीस्ट शुरू कर देते हैं हम, ताकि कल जब हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करें तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लॉग कोसाइन के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन से बेसिकली हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होनी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, अच्छा आप देखें डॉट प्रोडक्ट क्योंकि चल रहा है, और डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को मैंने कुछ कंडीशंस पढ़ाई थी, जैसे ए डॉट ए किसके इक्वल था आपको याद होगा, अभी ऑनलाइन है तो बिल्कुल फौरन से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ए डॉट ए जो है वो कंडीशन आपके पास लिखी हुई है, तो इसमें हम फॉर्मूला तो वही होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अब ये दो वेक्टर है ए और ए, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर वेक्टर अपने खुद के पैरेलल होता है और एंगल जो है वो जीरो डिग्री बनता है। तो ए डॉट ए जो है वो आएगा ए इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो ए इंटू ए से ए स्क्वायर आ जाएगा और कॉस ऑफ जीरो डिग्री, ए स्क्वायर और कॉस ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर इंटू वन से क्या आ जाता है ए स्क्वायर, ये डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इससे मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे बात कर ली, तो ये आपको सिर्फ याद दिलाना चाह रहा था कि ए डॉट ए किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, वी नो दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर अगर ए डॉट ए ए स्क्वायर के इक्वल है तो फिर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, देखो दोनों एक से हैं, ये और ये एक से है, जरा और कर लो ए और ए एक ही, इसी तरह से ए प्लस बी और ए प्लस बी ये भी एक से और इनका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो जैसे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाए, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बात समझे कुछ। अगर ए डॉट ए ए स्क्वायर के इक्वल है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इसी के इक्वल आना चाहिए, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे मैं अपनी बात रोक रहा हूं, हम यहां से ही इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगली क्लास में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।